हर व्यक्ति तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का चित्तौड़गढ़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी सहित जन प्रतिनिधियों ने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले भर में निकलने वाली इस यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित किया कर उनका पंजीकरण करवाकर लाभान्वित किया जाएगा। इस ब्रांड एम्बेसडर मैं ही नहीं, राजस्थान और देश का जन जन बन रहा है कि हम इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर व्यक्ति जुड़ने को तैयार बैठा है और मैं भी जुड़ा हूँ और मैंने भी सब लोगों को जुड़ने का आह्वान किया है। और मैं ये सोच सकता हूँ कि इस योजना के मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी अब गाँव गाँव हर पंचायत में पहुँचेगी। अधिकांश लोगों को इस योजना का लाभ मिला है, जो नहीं वंचित जो वंचित रह गए हैं उनको भी निश्चित रूप से इस योजना का लाभ मिलेगा। दौसा से बीजेपी की सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अब राजस्थान से पूरी तरह डिलीट हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार के दौरान इतनी झूठी घोषणाएं कर दी जिसके नीचे सारा काम दब गया, जबकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में केंद्र सरकार की स्कीमों का लाभार्थियों को पूरा लाभ मिलता है। सांसद ने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर 25 सीटें भाजपा को मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हर घर में पानी पहुंचेगा। अब कांग्रेस तो देखिए डिलीट हो चुकी है। अब तो ये मान के चलो कि देश का हर नागरिक समृद्धि चाहता है और ये मोदी है तो मुमकिन है, अन्यथा नहीं। जिस तरह से मोदी जी के राज में किसान के पास 15 किस्तें आ गई, 30,000 रुपये उनके खाते में आए, एक रुपया भी कट नहीं हुआ, कोई भी कट मनी कहीं नहीं, चाहे नरेगा का पैसा है चाहे किसी भी स्कीम का पैसा है। लेकिन जो झूठी झूठी घोषणाएं, इतनी झूठी घोषणाएं कर दी गहलोत जी ने कि वो झूठ के नीचे सारा का सारा काम छुप गया। वर्तमान समय में प्रतिपक्ष जो है वो केवल राजनीति, ऐसी राजनीति करता है जो राजनीति में कहीं दम नहीं है। ये सब पूरी लोकसभा की जिम्मेदारी थी, सभी हम उसमें थे, मैं भी वहीं बैठी हुई थी। स्पीकर ने सबको एक साथ और विश्वास में लेकर के अपना वक्तव्य दिया, लेकिन उनको तो विरोध करना और विरोध की, जबकि उनको पता है कि 22 बार उनके कार्यकाल में ऊपर दर्शक दीर्घा से भी कूदे, अंदर भी आए, सब कुछ हुआ है, लेकिन वो भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते।